Hello all, I hope you all are safe at your home. So we recently read about our food and we got to know about the different range, different variety of food items. आप देखेंगे हमारे घर में भी एक जगह है जहाँ पे हमें ह्यूज वैरायटी मिलती है एंड दैट प्लेस इज़ आवर वार्डरोब. हमारी जो अलमीरा होती है जहाँ पे हम अपने कपड़े रखते हैं वहाँ पे भी इतनी ज़्यादा हमें वैरायटी मिलती है. आप देखेंगे आपके पास वैरायटी ऑफ ड्रेसेस होती हैं, आपके पास बाहर जाने के कपड़े अलग होते हैं, घर में रहने के कपड़े अलग होते हैं, रात को सोते वक्त के लिए आप नाइट सूट यूज़ करते हैं, और अगर कोई ओकेजन हो, कोई मैरिज हो या कोई बर्थडे पार्टी में आपको जाना हो तो वहाँ जाने के लिए आपके पास कम्प्लीटली डिफरेंट अटायर्स होते हैं, कम्प्लीटली डिफरेंट क्लोथ्स होते हैं. सो अगर आपकी वार्डरोब में इतनी वैरायटी होती है तो सोचिए हमारी कंट्री में कितनी 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 ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी क्लोथ्स में. सो टुडे वी विल लर्न अबाउट द वैरायटी ऑफ क्लोथ्स in the chapter are dresses. So India is a land of colorful dresses. The Indian women used to have variety of dresses. Aap dekhenge agar aap city areas mein agar aap chale jayenge then at that their women used to wear skirts, frocks, jeans, trousers and aap साउथ इंडिया जाएंगे तो वहाँ पे लेडीज़ यूज़ टू वेयर साड़ीज, और अगर आप पंजाब साइड आ जाएंगे, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ पे ट्रेडिशनली लेडीज़ यूज़ टू वेयर सलवार कमीज़. और वेस्टर्न इंडिया में राजस्थान और गुजरात चले जाएंगे वहाँ पे घाघरा, लहंगा चोलीज़ यूज़ टू वेयर. सो वुमेन्स used to have variety of dresses. Not only women's, Indian men also used to have huge choice of dresses. North India mein men's used to wear kurta pajama. Punjab, Haryana, Himachal ke men's ko agar aap dekhenge they used to wear kurta pajama only. आप साउथ इंडिया में चले जाएंगे वहाँ पे men used to wear लुंगी इज़ देयर प्रेफरेंस अटायर. राजस्थान, गुजरात, वेस्ट बंगाल, इन रीजन्स में मैन यूज़ टू प्रेफर धोतीज़ पहनते हैं. और किसी भी सिटी रीजन में अगर आप चले जाएंगे, किसी टाउन में चले जाएंगे, देयर द प्रेफरेंस ऑफ मैन इज़ जीन्स एंड ट्राउजर्स. नॉट ओनली दिस, इन सम प्लेसेस पीपल वेयर वार्म वुलन क्लोथ्स एंड इन अदर प्लेसेस पीपल मे बी वियरिंग कूल कॉटन ड्रेसेस. फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखेंगे दिसंबर और जनवरी में हम हिमाचल में वार्म वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, जबकि उसी वक्त दिसंबर और जनवरी में ही अगर आप तमिलनाडु, केरला या फिर गोवा चले जाएंगे घूमने अपने विंटर वेकेशंस में, तो फिर आप देखेंगे वहाँ पर लोगों ने कूल कॉटन क्लोथ्स पहने हुए होते हैं. So now the question arises that why is there such a variety of dresses in India? What is the reason behind such huge range, such huge variety? So there are two factors which causes this variety, this diversity of classes dresses in our India. First is the climate. क्लाइमेट के बेसिस पे हम कपड़े पहनते हैं, तो आपने देखा ही है कि डिफरेंट सीजन्स में हम डिफरेंट कपड़े पहनते हैं. हम विंटर्स में हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, समर्स में हम कूल कॉटन फैब्रिक पहनना प्रेफर करते हैं, और अगर बाहर बारिश शुरू हो जाए तो हम सिंथेटिक रेनकोट पहन लेते हैं या फिर अम्ब्रेला कैरी करते हैं. सो फर्स्ट फैक्टर विच कॉजेज दिस वैरायटी ऑफ ड्रेसेस इज द क्लाइमेट, एंड सेकेंड इज द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ द people of that particular area. आप देखेंगे different functions में हम अपनी cultural attire पहनना prefer करते हैं. So the culture and traditions are the second factor which influences or which causes the variety of dresses in our country. So in hot areas like Kerala and Tamil Nadu, people used to wear cool cotton clothes. Even in Himachal Pradesh also, in summer season, in during hot days, we used to prefer wearing cool cotton clothes, and the men mostly used to wear lungi in Kerala and Tamil Nadu, and along with cotton shirt. Aap dekhenge in this picture there is a cute boy and a man, and they both are wearing lungi along with a cotton kurta, and the woman, she is wearing a very famous golden border Kerala
sari, and women also used to prefer wearing lungi along with blouse. Now, do you know जो clothes होते हैं वो fabric से बनते हैं. फैब्रिक को हम कट करते हैं, स्टिच करते हैं और हमारी ड्रेस तैयार हो जाती है. सो ये जो फैब्रिक है ये फाइबर्स को आपस में निट करके बनाया जाता है. और ये फाइबर्स जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं बेटा. फर्स्ट टाइप इज़ नेचुरल फाइबर एंड सेकंड इज़ मैन मेड फाइबर. जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं इसके भी टू सोर्सेस होते हैं. आइदर वी गेट दिस फ्रॉम प्लांट्स और फ्रॉम एनिमल्स. जो हम कूल कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, लिनन क्लोथ्स पहनते हैं, जो जूट की ड्रेसेस होती हैं वो हमें प्लांट से मिलते हैं, जूट प्लांट से, कॉटन प्लांट से. और जो सिल्क है वो हमें मिलता है सिल्क वॉर्म से. जो वूल है वूल हमें बहुत सारे एनिमल से मिलती है, अलग अलग तरह की वूल. जैसे द वेरी फेमस पश्मीना शॉल जो है वो पश्मीना ब्रीड की जो गोट होती है उसके हेयर्स से बनाई जाती है. एंड वी आल्सो यूज टू हैव अंगूरा शॉल्स, अंगूरा फैब्रिक जो होता है ये अंगूरा रैबिट्स की वूल से बनाया जाता है. द शीप वूल इज़ ऑल्सो यूज, कैमल वूल, द याक वूल इज़ यूज टू मेक द woolen clothes. Other than this, the second type of fiber is man-made fiber. Man-made fiber like nylon, polyester, ये man-made fibers होते हैं. जो man-made fibers होते हैं बेटा उसके लिए जो raw material होता है वो हमें nature से ही लेना पड़ता है, nature से ही raw material लिया जाता है. उसके बाद आपको किसी भी फ़ाइबर में क्या डिज़ायर्ड क्वालिटी चाहिए, जो आपको डिज़ायर्ड क्वालिटी होती है उसके बेसिस पे लैब्स में उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल नायलॉन और पॉलिस्टर जो होते हैं ये काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है. तो इनको इसी बेसिस पे लैब में प्रोसेस किया जाता है. एंड वी ऑल्सो यूज टू वियर दिस विस्कस रेयन फैब्रिक इन समर सीज़न. वो बहुत सूदिंग और सॉफ्ट होता है. तो उसको उस सॉफ्टनेस और समर सीज़न को ध्यान में रख करके फिर उसको लैब में डेवलप किया जाता है. सो फॉर द मैन मेड फाइबर ऑल्सो वी यूज टू यूज द रॉ मटीरियल, वी गेट द रॉ मटीरियल फ्रॉम नेचर ओनली. Now in cold places, people living in the cold climates of Kashmir and Himachal Pradesh wear thick woolen clothes to keep themselves warm. अपने आप को गर्म रखने के लिए हम यहाँ पे विंटर सीजन में बहुत मोटे मोटे वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, isn't it? And not only this, we also used to cover our head. आप देखेंगे स्कार्व्स पहनती हैं, ढाटू बांधते हैं यहाँ पे, right? हिमाचल प्रदेश में आप देखेंगे कुल्लू मनाली साइड या शिमला साइड आप जाते हैं तो लेडीज यूज टू वियर स्कार्फ ओवर दियर हेड, जिसे वो धाटू बोलते हैं. एंड मेन्स यूज टू वियर द फेमस कुल्लू कैप और द फेमस शिमला कैप्स. और ये क्यों पहनते हैं बेटा, क्योंकि यहाँ पे जो चिली विंड, जो ठंडी हवाएं चलती है उनसे अपने हेड को प्रोटेक्ट करने के लिए मेन यूज टू वियर कैप एंड द वमेन यूज टू वियर स्कार्फ्स एंड शॉल्स. Now the dresses of women as well as the men are made up of different type of material like cotton, silk, wool, nylon, rayon, etc. हमारी जो कंट्री है वहाँ पे इतनी ज़्यादा वैरायटी है. आप देखेंगे रीजन वाइज ही अलग अलग वहाँ पे फेमस क्लोथ होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल द कांजीवरम सारीज ऑफ तमिलनाडु इज़ वेरी फेमस, द मैसूर सिल्क ऑफ कर्नाटक इज़ वेरी फेमस, द मुंगा सिल्क ऑफ असम इज़ क्वाइट फेमस, द पश्मीना शॉल्स ऑफ JNK इज़ वेरी फेमस, द चिकनकारी ऑफ उत्तर प्रदेश इज़ वेरी फेमस. सो each and every state have their own speciality when it comes to the fabric, when it comes to the dresses. The type of material people choose for their dresses depend upon the climate. Agar winter season hogi to hum pashmina prefer karenge, isn't it? Aur agar summer season hoga तो हम चिकनकारी किया हुआ कूल कॉटन फैब्रिक पहनना पसंद करते हैं, isn't it? In hot places, cotton and linen fabric are worn, and in cold climate, people mostly used to use silk and woolen materials.
So that's all for today. Tomorrow we will do the remaining portion of our dresses chapter. Till then, stay home, stay safe, stay strong. Bye-bye. Take care.